हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय बाइक की चेन होती है, बाइक की चेन उसको कैसे लुब्रिकेट करना है, यानी ऑयलिंग कैसे करना है, किससे करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं, ऐसे देखा जाता है कोई कोई लोग बाइक की चेन को लुब्रिकेट करने के लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई लोग जो इंजन ऑयल होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कोई लोग कई बार देखते ग्रीस होता है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत है या सही है वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और हकीकत में किससे हमें लुब्रिकेट करना पड़ेगा बाइक के चेन को, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ग्रीस के बारे में मैं बात करता हूँ। ग्रीस से कभी भी बाइक की चेन को लुब्रिकेट नहीं करना, मैंने देखा है बहुत से जन करते लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ग्रीस का इस्तेमाल कॉपर होता है, जहाँ पर आप अगर कोई भी प्रकार का बेरिंग होता है बेरिंग, वो बेरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीस का, लेकिन जो बाइक का चेन है वो फिसल सकता है। ग्रीस रहता है ये ज़्यादा फिसलने वाला चीज़ है, यानी फिसल सकता है, इसके लिए हमें ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसे मैं अक्सर देखता हूँ कभी कभी लोग बाइक की चेन को लुब्रिकेट करने के लिए जो इंजन ऑयल है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इंजन ऑयल का भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चेन को दो स्प्रॉकेट होता है, एक पीछे का बड़ा स्प्रॉकेट और आगे का छोटा स्प्रॉकेट। तो छोटा स्प्रॉकेट में कचरा, जो भी धूल भी होगी, जो भी कचरा होगा, डस्ट होगा, वो जमा होता है, जिससे भी आवाज़ आता है। मुझे बहुत से जन कमेंट में पूछते हैं कि बाइक में खट खट की आवाज़ आता है, तो ये भी एक रीज़न है, हम लोग इसको हटा देते हैं और देखते। तो स्प्रॉकेट में कचरा होने की वजह से इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, और इंजन ऑयल ख़राब हुआ तो और ख़राब बात है, इसके लिए इंजन ऑयल से भी चेन को लुब्रिकेट नहीं करना है। तो किससे करना है? डीजल से भी नहीं करना है, पेट्रोल से तो नहीं करना है, क्योंकि पेट्रोल उड़ जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये मोटुल कंपनी का एक चेन क्लीनर है, चेन क्लीनर यानी चेन को लुब्रिकेट करने का बात है। ये मुझे अंदाजा 260 रुपया में मिला, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 265 लिखा है, यानी 265, लेकिन मुझे 5 रुपया कम करके, कोई भी चीज़ का थोड़ा कम होता ही है, 260 रुपया में मुझे इसका मिल गया, ये चीज़ मिल गया। तो इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। ये खास जो बनेला है ये बाइक का चेन को लुब्रिकेट करने के लिए बनेला है, तो इसका अगर हम लोग सही मात्रा में इस्तेमाल करते तो, जैसे मैं लॉन्ग टूर पर जाता तो ये हमेशा लेके जाता, लोकल में चलता है, कोई कोई लोग लोकल में अगर इंजन ऑयल इस्तेमाल करते तो चलता है, कुछ वांदा नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर जाते हैं, अगर चेन को अगर अच्छा सही में उसका लाइफ अगर आपको बढ़ाना है, तो इस प्रकार का मोटुल का कोई भी कंपनी का, जैसे ये खास चेन लुब्रिकेटर है, आवाज़ आ रहा गाड़ी का, ये चेन लुब्रिकेट है, या फिर लिखा है चेन ल्यूब रोड, ऐसे लॉन्ग टूर के लिए इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा बात है, मैंने ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया है, आपको अभी बताने वाला हूँ क्या हिसाब से लुब्रिकेट करना है। यानी कहने का मतलब आपका चेन का लाइफ अगर आपको बढ़ाने का है, चेन का लाइफ बढ़ाने का इसका मतलब क्या, उसको जंग नहीं लगना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं स्प्रॉकेट को, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, या चेन कभी बाई चांस लॉन्ग टूर जाते समय निकलनी नहीं चाहिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल करना है, चेन का लाइफ हमें बढ़ता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मोटुल का मैंने चेन क्लीनर लुब्रिकेट करने वाला लिक्विड ले लिया, मोटुल का कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये बाइक का चेन है, बाइक का चेन को लुब्रिकेट करना है। दोस्तों एक बात है, बाइक का चेन हमेशा 1 इंच लूज होना चाहिए, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो मैं इसे कैसे लुब्रिकेट करना चाहता हूँ, ये अपना मोटुल का लुब्रिकेट है चेन के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो सबसे पहला मैं बाइक को स्टार्ट करूंगा पहले गियर में, तो बाइक को स्टार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले इसका ढक्कन निकाल लेते हैं हम लोग। ढक्कन निकालने के बाद कभी भी शेक करना है, कोई भी प्रकार का चीज़ ऐसे होगा, स्प्रे वाला चीज़ होता है, इसे शेक करना पड़ेगा। शेक का मतलब हिलाने, जितना ज़्यादा हिलाओ। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि इसके अंदर गैस होता है, गैस होता है इसके अंदर, बाद में इसको चेन को लुब्रिकेट करना है। गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले गियर में गाड़ी है, लेकिन याद रखना मिडल स्टैंड पर, जो मेन स्टैंड होता है सेंट्रल, उसके ऊपर खड़ी करना है।
अब इसको लुब्रिकेट करने के पहले हिलाना है। क्यों हिलाना है? क्योंकि इसके ऊपर अंदर गैस होता है, गैस जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करना है, जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ ये हिसाब से करना है। हाथ को संभाल लेना है, आज का जो विषय है चेन का लुब्रिकेट करने का। तो जैसे कोई को लोग इंजन ऑयल से भी लुब्रिकेट करते हैं, कोई को लोग डीजल से करते, डीजल से कभी नहीं करने का। जैसे कि मैंने बताया कोई कोई ग्रीस भी लगाते हैं, ग्रीस से इस्तेमाल कभी नहीं करना है। अगर ग्रीस से इस्तेमाल करोगे तो फिसल सकते चेन, यानी ग्रीस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है ज़्यादा करके, जहाँ पर बेयरिंग होता है वहाँ पर होता है, तो वहाँ पे नहीं करना है। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।